संघ प्रदेश दमण में दीपावली के पावन अवसर पर दमण पुलिस प्रशासन द्वारा जनता को परेशान किया जा रहा है। पिछले काफी दिनों से दमण के विविध जगहों पर हेलमेट, लाइसेंस, ब्लैक फिल्म वगैरह की चेकिंग दमण पुलिस विभाग द्वारा सख्त रूप से की जा रही है, जिससे लोगों को असुविधा हो रही है। जबकि दमण की किसी भी चेक पोस्ट पर कोई भी प्रकार की चेकिंग नहीं की जा रही है। इस मुद्दे पर उमेश पटेल ने दमण के विविध चेक पोस्टों पर जाकर फेसबुक लाइव कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। पुलिस प्रशासन का कामगिरी दमण द्वीप में देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। आए दिन दमण पुलिस का कोई ना कोई कार्य ऐसा होता है जिससे पब्लिक को नुकसान ही या दर्द ही मिलता है। अब मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, जब से ये वैकेशन का शुरुआत हुई है तब से पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर ऐसी चेकिंग चालू की कि यहाँ पर दमण दीव में कोई एक तो टूरिस्ट ना है, टूरिस्टों को जानबूझ के खदेड़ा जा रहा है। ये इस साल की बात की नहीं बोल रहा हूँ, ये पिछले दो साल से हो रहा है। पहले 31 पे जब हुआ था तब ये झोपड़े तोड़े गए थे, बाद में जब वैकेशन आया, जब बच्चों का वैकेशन था, तब ये बीच पे खाना पीना बंद करवा दिया गया। और अब जब से ये वैकेशन, स्कूल वैकेशन चालू हुआ, तब से पुलिस ने दमण की सिटी में ही स्पेशल सिटी में इधर उधर और टूरिस्ट प्लेसों पे जा जाके टूरिस्टों को परेशान करना शुरू किया। टूरिस्ट को ऐसे ही परेशान करेंगे तो कौन आएगा दमण दीव में, कौन आएगा दमण में? इतने सारे प्रोजेक्टों को लॉन्च किया जा रहा है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, और एक तरफ टूरिस्ट को भगाया जा रहा है और आज तो हद होगी। बेचारे कल दिवाली है तो आज लोगों को कमियों में बोनस मिला होगा, या वो बोनस से बेचारे गरीब लोग दमन में निकलकर बच्चों के लिए मिठाई या कपड़े खरीदने या फटाके खरीदने आए होंगे। और पुलिस ने चारों ओर जैसे कोई दमन दीव में आतंकवादी या नक्सलवादी घुस गए हो वैसे प्रकार से चेकिंग चालू कर दी। एक बात मैं भी तर्कदार में हूँ कि हेलमेट पहनना जरूरी है, सेफ्टी पर्पस पहला होना चाहिए और उसकी हिमायत मैं भी करता हूँ। हर एक व्यक्ति को बाइक स्टार्ट करने से पहले सेफ्टी पर्पस से हेलमेट पहनना चाहिए, उस बात की मैं भी लोगों से अपील करता हूँ। मगर जिस प्रकार से पुलिस या कार्यवाही कर रही है उससे मुझे बहुत ही दुख और आहत हुआ हूँ आज। सिर्फ सिटी में, जबकि मैं चेक पोस्ट में गया, कोई भी किसी भी प्रकार की चेकिंग नहीं थी। वहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पुलिस को चाहिए कि वो चेकिंग करे तो कहाँ करे, चेक पोस्ट पर करे जहाँ से दारू की तस्करी होती है, गौ की तस्करी होती है। वहां पर आप ब्लैक फिल्म देखिए, वहां पर हेलमेट देखिए। दमन तो छोटा सा प्रदेश है उस सिटी में, और ऐसे कोई रोड भी अच्छे इतने नहीं है कि लोग फास्ट स्पीड में जाएंगे। दमन में सिटी में आप लोग परेशान कर रहे हैं लोगों को, इतने इतने कैसे गिर सकती है दमन पुलिस? एक तरफ तो दमन में आए दिन मेरे पास सूचनाएं मिलती रहती है, दमन में देह व्यापार, लूट, चोरी, मर्डर, जुआ, सट्टा चल रहा है। चोरी करके आदमी भाग जाता है, लूट करके आदमी भाग जाता है, मर्डर करके भाग जाता है। आए दिन गौ सेवक फोन करते हैं पुलिस को और वो गौ तस्कर तो पकड़े नहीं जाते। मैंने 2 दिन पहले देखा था तो वहां पर चेक पोस्ट में आदमी सोता रहता है। क्यों? चेक पोस्ट पर आप लोगों के दारू तस्करी वाले पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं, इसलिए क्या हफ्ता मिलता है तो वहां आंख बंद कर लेने का और गरीबों पर जुल्म और सितम उठाने का। मैं तो दमण द्वीप प्रशासन से कहता हूं कि आप लोग इस प्रकार से कार्यवाही ना करें। आप लोगों ने तो पुर्तगालियों को भी अच्छा कहलाया, पुर्तगाली तो अच्छे थे ही, आप लोगों ने तो अंग्रेजों को भी अच्छा कहलाया। शर्म करो प्रशासन, शर्म करो। ये दिवाली का मौका है, कम से कम 4-5 दिन तो लोगों को राहत दे दो। पूरे साल तो दुख और तकलीफ दमण प्रशासन ने देने से कभी हिचकिचाई नहीं है, पूरे साल लोगों को तकलीफ और दर्द दे दिया है। कम से कम दिवाली में तो 5-7 दिन लोगों को दिवाली मनाने दो। बड़ी शर्मिंदगी होती है मुझे ये पुलिस की कार्यवाही को देखते हुए। डूब मरो, शर्म जैसी कुछ चीजें भी रखो, दूसरा तो क्या कहो, पब्लिक भी इतनी जागरूक नहीं है। और दमन के प्रशासन के सामने जिस प्रकार से पॉलिटिशियन नतमस्तक हुए हैं, भगवान ही मालिक, क्या इसको अच्छे दिन कहेंगे? धन्यवाद।
क्या आप देखना चाहते हैं? दमन और पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर, ये है वाघा बॉर्डर। यहाँ से अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर होगी, क्योंकि उस तरह से जैसे पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर पर जैसे सैनिक तैनात हो जाते हैं और पाकिस्तानियों को रोका जाता है, उस प्रकार हमारी दमन की महान पुलिस ऐसे दिवाली के मौके पर लोगों को किस प्रकार परेशान कर रही है वो मैं लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। आज जबकि लोगों को दिवाली है और आप बेचारे गरीब लोग पुलिस को देख के जो शॉपिंग करने चाहते हैं वो लोग वापस किस प्रकार से डरे सहमे हुए भाग जाते हैं वो आप देख सकते हैं। अब लोग यहाँ से वापस ये वाघा बॉर्डर, जो हमारे दमन की वाघा बॉर्डर है, जो वाघा बॉर्डर पे पुलिस इस प्रकार लोगों को न्यूसेंस कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है। एक तरफ तो दमन पुलिस जब भी दमन में कोई भी घटनाएं घटती है, वारदातें घटती है, आप देखिए यहाँ पर बेचारे लोग ये पुलिस को डरकर महिलाएं जो शॉपिंग के लिए आती है और वो वापस यहाँ से वापस घर लौट रही है, क्योंकि पुलिस का खौफ, पुलिस उनको इस प्रकार डरा रही है कि आज हमारे दमन के लोग बेचारे पुलिस के खौफ से भयभीत होकर बच्चों के कपड़े, मिठाइयाँ वगैरह खरीदने के लिए जो घर पे आते हैं वो वापस लौटे जा रहे हैं। यहाँ पर लोग बेचारे भयभीत हैं, जो वापस उधर भी नहीं जा सकते और वहाँ पर भी नहीं जा सकते। क्या दमन पुलिस जब मर्डर होता है तब कैसे वारदातों में आँख बंद कर देती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ दमन प्रशासन से, इन गरीबों को त्यौहारों पर भी आप क्यों नहीं मुक्ति दे रहे हैं? आज जब ये दमन में लोग त्यौहार मनाने के लिए, दिवाली का मौसम है, कपड़े खरीदने के लिए, मिठाई खरीदने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तब पुलिस ऐसी कार्रवाई, चुस्त कार्रवाई करके लोगों को डरा क्यों रही है? आज दमन के विविध क्षेत्रों में जैसे कि ये मोटी दमन से जो फोर्ट एरिया जाते हैं वहाँ पर और ब्रिज के उस साइड ऊपर जितने भी दमन के चेक पोस्ट है वहाँ पर हमारी दमन की महान पुलिस ऐसी कार्यवाही कर रही है जैसे दमन में आतंकवादी घुस आए हैं। गरीबों पर 100-200 के 500-1000 के ऐसे चलान काट रही है। वो चलान नहीं काट रही है, गरीबों के घर की मिठाई के पैकेट के रुपये ऐंठ रही है। आज पुलिस को चाहिए कि दमन में जो अप्रिय घटनाएं घटती है जिस पर दमन में उनको कार्यवाही करनी चाहिए। आज जब मर्डर हो रहे हैं वो आरोपी तुरंत भाग जाते हैं पर दमन की पुलिस वो काम नहीं करती और गरीबों पर ये अत्याचार और जुल्म कर रही है। क्या दमन पुलिस ऐसा ही, दमन में देह व्यापार चल रहे हैं, जुगाड़ के अड्डे चल रहे हैं, उन पर भी ऐसी ही कार्यवाही करती है? क्या दमन की पुलिस इसी प्रकार लोगों पर अत्याचार गरीबों पर ही करेगी? क्या अमीरों पर नहीं करेगी? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? हॉस्पिटल हॉस्पिटल जा रहे थे तो क्या हुआ? पुलिस ने पकड़ लिया। हेलमेट नहीं करिए, हेलमेट नहीं है तो आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे। और उसको क्या प्रॉब्लम है? लग गई है, हार्ट के प्रॉब्लम है, इसके लिए भी इनको हॉस्पिटल लेके जा। वेरी गुड, ये है दमन की पुलिस का बहुत ही बेहतरीन कार्य। वो जब भाई ये आदमी बीमार है और मगर इनके पास हेलमेट नहीं है तो क्या ये पुलिस इनको ले जाएगी? अब ये बेचारा यहाँ पर खड़ा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आप आ गया, हम लोग आप लोग को ले जाते हैं। सने गाड़ी कर, आना हॉस्पिटल ले जाओ, उसे आना हॉस्पिटल ले जाओ, अपनी गाड़ी कर, आना हॉस्पिटल ले जा, चला जा, आ जा भाई। ये बेचारा मरीज देख कितनी बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पर ये जो मरीज है वो मरीज को बेचारे को बाइक से उतरना पड़ रहा है क्योंकि इसके पास हेलमेट नहीं है और उसको जाना है हॉस्पिटल। क्या ये मर जाए? चले आ जाइए, आ जाइए, वो गाड़ी में बैठ जाइए तो हम उसको रेस्क्यू करके नहीं अपने आप इसको रेस्क्यू करके हम ले जा रहे हैं। अब यहाँ दमन की जो पुलिस है वो बेहतरीन काम कर रही है। इस दिवाली के पावन मौसम पर दमन के गरीब जनता को वहाँ पर परेशान कर रही है जबकि गरीब कोई मिठाई लेने जा रहा है, कोई कपड़ा लेने जा रहा है। और ये पुलिस या कार्यवाही क्या सही है? क्या गरीबों के साथ यही जुल्म और अत्याचार होना चाहिए? बहुत ही बेहतरीन कार्य दमन पुलिस का चल रहा है और दमन के पॉलिटिशियन सारे के सारे मस्ती में, दिवाली की मौज मस्ती में पड़े हुए हैं। गरीबों पर ये अत्याचार कब तक, जुल्म कब तक?
मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था हमारे मोटी दमन में जो वाघा बॉर्डर थी पाकिस्तान और जैसे इंडिया की बॉर्डर थी वैसे मोटी दमन की बॉर्डर थी। अभी इधर आपको दिखाता हूँ हमारे दमन की चाइना बॉर्डर, जहाँ पर पुलिस इतनी मुस्तैदी से लोग गरीब लोगों के चलान काट रही है। आप लोगों को बोल रही है कि लोगों के पास हेलमेट नहीं है, वो नहीं है। अब ये गरीब लोग जब दिवाली में शॉपिंग करने के लिए मिठाइयाँ लेने के लिए निकले हैं, उनके पर पुलिस का जुल्म और सितम आप लोग देख सकते हैं। अब ये हमारे दमन का हार्ट ऑफ सिटी है, जहाँ से कहा जाता है मसाल चौक। मसाल चौक पे जिस तरह से पुलिस कामगिरी कर रही है, आज जब दिवालियों में बहनें बिचारी ये अपने बच्चों के लिए मिठाई वगैरह खरीदने के लिए निकली थी, मगर ये पुलिस इन गरीबों को पकड़ पकड़ के चलाने काट रही है। अब मैं पुलिस कर्मियों से तो क्या बोलूँ, बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, मगर दमन की पुलिस को चाहिए कि दमन में ऐसी घटनाएं जब जब वारदात होती है, मर्डर होता है, चोरी होती है, लूट होती है, तब ऐसी कार्यवाही पुलिस क्यों नहीं करती है। आज दमन में कहीं पर भी देखो, वहाँ पर देह व्यापार के धर्म जुओं का अड्डे चल रहे हैं, वहाँ पर पुलिस कार्यवाही नहीं करती है। और गरीब जब दिवाली में बाहर निकले हैं उस पर कार्यवाही कर कर ये पुलिस क्या साबित करना चाहती है। दमन में ये लोग चलान नहीं काट रहे हैं, चलान के साथ साथ वो गरीब घर के बच्चों के लिए जो मिठाई के पैसे थे वो ये लोग ऐंठ रहे हैं। आज हमारे दमन की पुलिस इस मुस्तैदी से काम कर रही है। अगर ऐसी मुस्तैदी से वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी और ड्यूटी करने लगे तो दमन में एक भी अप्रिय वारदात या घटना नहीं घटेगी। मगर हमारी पुलिस वहाँ पर तो उनको हफ्ता और वो सब मिल जाता होगा तो अमीरों पर तो काम नहीं कर सकती, मगर गरीबों पर जुल्म और सितम कर रहे। वहाँ पर आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला जिसको बाइक पर एक बच्चा लेके जा रहा था, मगर बाइक से उतर कर वो महिला को अब पैदल जाना पड़ रहा है। लोग मरीज गरीब और वो बेचारे सताए हुए लोग, पुलिस के सताए हुए लोग अब बाइकों को दूर दूर छोड़ कर जा रहे हैं। आज पूरे दिन पुलिस कार्यवाही इस तरह से कर रही है कि गरीब बेचारे बाइक और गाड़ी छोड़ छोड़ कर अपने त्यौहार को बिगाड़ रहे हैं। अब दमन की पुलिस को चाहिए कि ऐसी मुस्तैदी वो क्रिमिनलों के अगेंस्ट भी करे, हफ्ता लेना बंद करे, और ये दिवाली के मौके पर टूरिस्ट जो दमन में आना चाहते थे उन टूरिज्म के बिजनेस को भी ये लोग ऐसी कार्यवाही करके ठप कर रहे हैं। आगे चलकर हमारे प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल कहते हैं कि दमन को एक टूरिस्ट हब बनाएंगे, तो क्या यही टूरिस्ट हब इसी प्रकार से बनेगा? इसी प्रकार पुलिस का रवैया रहेगा तो दिवाली वैकेशन नस से नाबूद हो जाएगा। अभी हमने मोटी दमन से लाइव किया था, अभी ये लाइव हमने सेंटर से किया है, अब आपको दूसरी जगह का भी हाल अभी आज इस दिन हम बताएंगे। धन्यवाद। यह है हमारा पातलिया का चेक पोस्ट, जहाँ पर ये पातलिया के चेक पोस्ट पर यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारे जो चेक पोस्ट है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जांच तपास नहीं और आराम से लोग आ जा रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये दमन में जहाँ सिक्योरिटी चाहिए, जहाँ हेलमेट के लिए बोलना चाहिए, वहाँ दमन की पुलिस एकदम शांति से सोई हुई है। यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर बस हर ट्रक जो भी जाएगा वो पुलिस के हफ्ते में जाएगा, और यहाँ से बॉटल दारू की हेराफेरी या कोई भी घटना घटती है तो आराम से यहाँ से चेक पोस्ट हो जाती है। एक भी आदमी को किसी भी प्रकार की जांच तपास यहाँ पर नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ गरीबों के। वहाँ जो अब दमन की सिटी में दिवाली का मौसम है और दिवाली में जब शॉपिंग करने के लिए लोग निकले हैं या तो मरीज हॉस्पिटल जा रहे हैं और तो उनको जबरन रोका जा रहा है, उनके साथ हेलमेट मांगी जा रही है, उनके पास पैसे ऐठे जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ आम जनता गरीब जनता को ही ये त्रासदेही करने के लिए प्रशासन ने ये कामगिरी की रखी है? आज जब चेक पोस्टों पर कोई भी अच्छी घटना होती है तो चेक पोस्ट पर वारदात होती है तो चेक पोस्ट पर सदन तपास होनी चाहिए, तब यहाँ पर जांच तपास नहीं हो रही है, मगर तपास कहाँ हो रही है? हमारे सेंटर में। तो आप ही सोचिए, जो टूरिस्ट खाने पीने आते होंगे, शॉपिंग करने आते होंगे, या जो दमन की जाहिर जनता जो दमन में शॉपिंग करने के लिए निकली है, मिठाइयाँ लेने निकली है, उनके लिए ही ये पुलिस या कार्यवाही हो रही है। और ये
नाके से आप लोग जानते हैं यहाँ से गुजरात बॉर्डर चालू होती है, तो गुजरात बॉर्डर पर दारू की तस्करी और आपको मालूम ही है गौ तस्करी भी होती है। आज तक गौ तस्कर कभी इन चेक पोस्ट से कभी पकड़े नहीं गए हैं। और यहाँ पर जितने भी वारदात दमन में हुई, हत्या हुई है, लूट हुई है, मर्डर हुए है, या जितनी भी घटनाएं अच्छी घटनाएं हुई है, उस पर कभी भी चेक पोस्ट से आदमी पकड़ा नहीं गया है। सिर्फ दमन में बीच में गरीबों पर आज जुल्म और सितम हो किए जा रहे हैं, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से लोगों पर किसी भी प्रकार की जांच तपास नहीं है। ये हमारी बॉर्डर है, हम तो कह सकते हैं कि ये बॉर्डर हमारी गुजरात व उदवाड़ा की बॉर्डर पर किसी भी प्रकार से कोई भी जांच तपास नहीं है। जहां जांच तपास होनी चाहिए वहां किसी भी प्रकार से लोगों की जांच तपास नहीं हो रही है। और सेंटर में गरीब लोग जो आज दिवाली के मौसम पर शॉपिंग करने निकले हैं, उन पर पुलिस से कार्यवाही कर उन पर चालान काटे जा रहे हैं। जय हिंद।